साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। देखिए, एक तो कि है ब्यौरे देना, जो भी समाजवादी आंदोलन के ब्यौरे हैं वो मुझे लगता है कि मधु भाई ने भी रख दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातें अपनी रख दी हैं। मैं कुछ कुछ सैद्धांतिक जो बातें हैं उसको रखना चाहता हूँ, और वो जो बातें हैं वो मुझे लगता है कि समाजवादी जो आंदोलन है उसके भीतर वो निरंतर चलता रहा है, और उसकी शायद शिनाख्त भी की गई लेकिन उससे लड़ने की कोशिश नहीं की गई। अब इसमें सैद्धांतिक बात क्या है, मुझे लगता है कि हम लोगों को बातचीत को दो हिस्सों में बांटना चाहिए। एक तो हिस्सा है आंदोलन का और दूसरा हिस्सा है संसदीय राजनीति का। अब जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन क्या, जब संसदीय राजनीति में आप जब जाते हैं तो वो संसदीय राजनीति में आंदोलन जो है वो ट्रांसलेट हो पाता है क्या? यानी कि आंदोलन अपनी पूरी पूरे व्यक्तित्व के साथ, आंदोलन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, आंदोलन पूरी अपनी फिलॉसफी के साथ, दर्शन के साथ, विचारधारा के साथ क्या संसदीय राजनीति में अपनी जगह बना पाता है? मेरी समझ ये बनती है कि संसदीय राजनीति और आंदोलन, और खास तौर से देश में भारत में जो ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन रहे हैं उसका एक क्लैश दिखता है, अंतर विरोध दिखता है। जैसे मान लीजिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैं एक उदाहरण से बात शुरू करना चाहता हूं। अभी हाथरस की घटना हुई, अब हाथरस की जब घटना हुई तो हाथरस की घटना में ये पाया गया कि जो विक्टिम है यानी जो पीड़िता है या जो पीड़ित परिवार है वो दलित है, लेकिन दलित में भी उसकी एक जाति है और वो जाति है वाल्मीकि जाति। अब दो तरह की स्थितियां सामने आती हैं आंदोलन के लिहाज से। अगर आंदोलन के लिहाज से हम बात करें तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि आंदोलन को उतरना चाहिए, क्योंकि एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ, और इसके अलावा इससे भी बड़े दायरे में सोचे तो भारतीय पूरी समाज व्यवस्था को बनाने का सवाल और उस पर हमले जो हो रहे हैं उस पर जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन हम क्या पाते क्या है व्यवहार में, हम क्या देखते हैं? हम व्यवहार में ये देखते हैं कि हाथरस में कौन कौन, हाथरस की इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर कौन कौन एक्टिव हुआ। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे फोन किया और मुझसे पूछा कि क्या कांग्रेस को इससे फायदा होगा, क्योंकि वाल्मीकि जो जाति है वो तो आरएसएस के साथ है, आरएसएस उस पर पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है, और अगर उसका काम इतनी पैठ गहरी है तो क्या कांग्रेस को इस हाथरस की घटना से कोई बेनिफिट हो पाएगा? एक बात, एक सवाल मेरे सामने ये रखा गया। फिर दूसरा सवाल किया गया कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी अपने पूरी पार्टी को इस मुद्दे पर आंदोलन में उतार रही है, क्यों नहीं उतार रही है? क्या इसलिए नहीं उतार रही है क्योंकि दलितों की वो पार्टी नहीं है बल्कि वो दलितों की कुछ जातियों की पार्टी है? ये बात हमसे कही जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सोचने के लिए सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। तो बहुजन समाज पार्टी कुछ जातियों की, दलितों में कुछ जातियों पर में उसका आधार है, वाल्मीकियों में तो उसका कोई आधार नहीं है, और एक वाल्मीकि के इशू पर, मुद्दे पर अगर वो आंदोलन करेगी भी तो उसको क्या फायदा होगा? यानी कि हम और आप ये पाते हैं कि संसदीय राजनीति में ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं
वो मुद्दा क्या आपके वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा या वो आपके वोट बैंक का हिस्सा है क्या। संसदीय राजनीति का पूरा चरित्र यही है कि वो देखता है कि इस गली में हमें वोट मिला है तो इस गली की सड़कें हम बनवाएंगे, इस घर से हमको वोट मिला है तो हम यहाँ पर इसको पानी की बिजली की सुविधा दिलाने में मदद करेंगे, और नहीं अगर हमारे विरोध की गली है ये, हमारे विरोध में वोट करने वाला ये गांव है तो मुझे हमको इस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। यानी कि जो पार्टियां हैं वो कुछ खास खास जातियों के बीच अपने आधार को लेकर अपने आधार के साथ वो काम शुरू करती हैं और उसकी तरफ ध्यान नहीं देती या उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं महसूस करती हैं जो कि दूसरी पार्टी के आधार में है। ये एक सच्चाई है। ठीक यही बात मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलन के साथ भी रही, समाजवादी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले जो लोग राजनीति पार्टी चला रहे थे या जो लोग चुनाव में उतर रहे थे उनके दो तरह की भूमिकाएं हो जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि आखिर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्यों ये बात कहते हैं कि 100 में पिछड़ा पावे 60, क्यों कहते हैं 60 की ही बात वो क्यों कहते हैं, वो क्यों नहीं बात वो 90 और 95 की करते हैं, वो क्यों बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत चीजें एक स्पष्ट है और वो बार बार कहते भी है। वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पास तो 3-4 करोड़ लोगों की सेना है। अब 3-4 करोड़ लोग कौन है? 3-4 करोड़ लोग वो है जिनको आज हम दलित के रूप में संबोधित करते हैं, जिनको हम सरकारी भाषाओं में भाषा में अनुसूचित जाति कहते हैं या जिनको हम अछूत मानते रहे हैं उनको। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो संसदीय राजनीति है वो जो 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 जातियों के बीच में अपने आधार को बनाने और नहीं बनाने को लेकर एकदम स्पष्ट रहती है। तो यही कारण है कि आप ये पाएंगे ये और हम और आप ये देखेंगे कि संसदीय राजनीति ने तमाम आंदोलनों का इस्तेमाल किया है। संसदीय राजनीति ने तमाम आंदोलनों का इस्तेमाल कर लिया है लेकिन आंदोलनों ने राजनीति पर अपना कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट, ऐसा कोई असर, ऐसा कोई तंत्र उसने ऐसा विकसित नहीं किया है कि वो संसदीय राजनीति की सकल सूरत को बदल दे। वो उसका इस्तेमाल हुआ है। और मैं गांधी की बात को याद करूं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस एक आंदोलन है और इसको भंग कर देना चाहिए, ये पार्टी नहीं। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी आज भी, आज की तारीख में भी वो अपने को अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की विरासत की एकमात्र दावेदार कहती है। लेकिन मूल्यों के स्तर पे देखें, समाज सुधार, समाज में परिवर्तन के दृष्टि से देखें, अगर मूल्यांकन करें हम और इसका विश्लेषण करें तो क्या कांग्रेस पार्टी ने सचमुच स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य रहे हैं और जिस संस्कृति के निर्माण की तरह लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की है, क्या उसकी वाहक होने का वो दावेदार कर सकती है, दावेदार होने का दावा कर सकती है? शायद नहीं कर सकती है। उसने तमाम वो जन विरोधी नीतियों को लागू किया, जन विरोधी मूल्यों को, समाज विरोधी मूल्यों को प्रोत्साहित किया, उसको संरक्षित किया, उसको संरक्षण दिया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिसके खिलाफ हम लड़ते रहे। उसने आरक्षण भी लागू नहीं किया, जो बात पिछड़ों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। तो आप ये पाएंगे कि वो इस बात को लेकर, कांग्रेस इस बात को लेकर निश्चिंत रही एज ए संसदीय पार्टी, यानी संसदीय पार्टी के रूप में, कि उसका आधार एक जाति, दो जाति, एक धर्म के बीच में, धर्म को मानने वालों के बीच में है और इतना ये पर्याप्त है कि उसको वो सत्ता में बनाए रखे।
तो मेरा ये कहना है कि ये जो आंदोलन और संसदीय राजनीति का जो जो फर्क है उसको हमें समझना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी यही, समाजवादी पार्टी की भी यही स्थिति रही है, समाजवादी पार्टी की जो भी धाराएं रही हैं उसकी भी लगभग यही स्थिति रही है। आप देखिए दो तरह की बातें हैं। एक बात जो डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पूरी ये जो हिंदुत्ववादी जो ढांचा है उसको नकारने का काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया क्या करते हैं, डॉक्टर लोहिया उसको नकारते नहीं है बल्कि उसको गांधी की तरह उसको संशोधित करते हैं, उसको संशोधित करते हैं, वो महाभारत को, रामायण को अपना एक नई व्याख्या अपनी देते हैं, लेकिन उसको अस्वीकार नहीं करते, उसकी संस्कृति के मूल्यों को अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सा गैप आपको हमको यहाँ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लोहिया को इसकी पहचान नहीं थी, डॉक्टर लोहिया को इसकी पहचान थी, और उन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक उदाहरण बताया है, कई उनके लिटरेचर में ये बात आपको मिलेगी, और खासतौर से एक वो गोवा की कमेटी के गठन का एक पूरी प्रक्रिया वो बता रहे हैं। वो गठन की प्रक्रिया ये बता रहे हैं कि गोवा में एक बार जब समिति बनने लगी तो लोगों ने कहा कि जो द्विज जातियां हैं उनका वर्चस्व इस कमेटी पर, और इस वर्चस्व को ये वर्चस्व के साथ चलना ठीक नहीं होगा। वहां पर जो शूद्र जातियां थी उन्होंने उसका विरोध किया, अपना विरोध दर्ज कराया। तब डॉक्टर लोहिया ने क्या किया, डॉक्टर लोहिया ने कहा नहीं, अब ये फिर से पुनर्गठित होगी ये कमेटी। लेकिन आश्चर्य की बात और मजेदार बात है कि जब वो फिर से पुनर्गठित यानी फिर से बनाई गई वो कमेटी, पुनर्गठित की गई, तो फिर डॉक्टर लोहिया ने स्टडी किया, उसका अध्ययन किया कि अब क्या कोई वास्तव में कोई अंतर आया है। तो डॉक्टर लोहिया ने हैरानी जाहिर की है उस पूरे उस अपने उस संस्मरण में कि मैं हैरान रह गया कि अभी भी जो कमेटी में जो अधिकतर लोग हैं वो एक ही जाति विशेष के लोग। आप सोचिए कि एक पुनर्गठन की प्रक्रिया चलती है, एक सवाल खड़ा होने के बाद, लेकिन फिर भी उस पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया में एक खास जाति विशेष का वर्चस्व ही नहीं बल्कि अधिकतर लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समस्या का तो पता था डॉक्टर लोहिया को, लेकिन डॉक्टर लोहिया को जब ये पता था तो क्या उनके सामने ये मजबूरी आ रही थी, उनके सामने ये मजबूरी आ रही थी कि वो इससे लड़ नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद, संसदीय राजनीति में आने के बाद, जो भी आंदोलन की पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं उनकी एक सीमा हो जाती है, और वो फिर उन सीमाओं के साथ सत्ता की राजनीति करने लगते हैं, और जो मूल्यों के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर जो संघर्ष करना चाहिए उसके उससे संघर्ष करने की बजाय उससे समझौते की तरफ बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलन में यही हुआ। समाजवादी आंदोलन में बहुत सारे पिछड़े नेता निकल के आए, लेकिन शूद्र जाति के, शूद्र जिसको हम आज की तारीख में जिनको हम अछूत कह रहे हैं या अनुसूचित जाति कहते हैं, दलित कहते हैं, उनमें कितने नेता निकल के आए, उनमें कितना नेतृत्व निकल के आया, नहीं निकल के आया। ये बात बिल्कुल सही है, और जो मधु भाई भी कह रहे थे ये बात, मैं उनकी बात का ये समर्थन करता हूँ। और ये बात एक तरह से समाजवादी पृष्ठभूमि के जितने लीडर रहे उनके दिमाग में ये बात चली गई थी, ये बात चली गई थी कि इनके बीच में लीडरशिप का फायदा हमको तो क्या होगा, हमको क्या होगा, ये तो एक दूसरी धारा में जाने वाले लोग। इसीलिए हमको लगता है कि पूरे समाजवादी आंदोलन में, हाँ उनके लिए आंदोलन का होना एक अलग बात है, कई इलाकों में आंदोलन समाजवादियों ने किए हैं, उन इलाकों में आंदोलन किए हैं जहां पर कि जो दलित समुदाय है, दलितों के खिलाफ शोषण की, उत्पीड़न की, ये तमाम तरह की जो घटनाएं होती रही, या उनकी जो मजदूरी का सवाल है, या उनके खिलाफ अत्याचार का सवाल है, उसके लिए लड़ते रहे, लेकिन वो राजनीति में कैसे, राजनीति में उनकी पैक्स जमे, और राजनीति में मतलब दलित प्रतिनिधित्व नहीं,
मैं कहता हूं कि दलित फिलॉसफी, दलित जो दर्शन है उसकी जगह बने, ये तो कोशिश मुझे नहीं लगता है कि ये कोशिश हुई है, ये कोशिश नहीं हुई है। इसीलिए मैं ये मानता हूं, ये मैं मानता हूं कि समाजवादी आंदोलन का जो अभी कार्य है वो अधूरा है। आप आज देखिए जितने भी समाजवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि से जो जुड़े हुए लोग हैं, आखिर में क्यों वो लोगों का झुकाव आरएसएस की तरफ होता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। दूसरा सवाल, बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आज भी देखिए आप, बिहार में चुनाव हो रहा है, मैंने देखा लिस्ट में, मैंने सोचा कि समाजवादी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं क्या वो सचमुच में जो समाज के जो जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने की कोई योजना उसमें दिखाई देती है? मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं। वो तमाम जो पार्टियां हैं, वो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है उसके लाइन में लगी हुई है, उसकी बी टीम बन जा रही है, सी टीम बन जा रही है, डी टीम बन जा रही है। कई कई आप सूची आज उठा के देखिए और पिछले कई वर्षों के चुनाव में देख लीजिए आप, मुसलमान उम्मीदवारों की यानी गैर हिंदू उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, कई इलाकों में तो नगण्य हो गई है। यानी कि एक बड़ा सा क्षेत्र है 22-25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक दो जिलों को मिलाकर उसमें एक भी आपको मुसलमान नहीं दिखाई दे। क्यों? ये कोई समाजवादी पृष्ठभूमि की, समाजवादी आंदोलन की विरासत पर खड़ी पार्टियों का क्या ये दावा कर सकती है, होने का दावा कर सकती है? मुझे लगता है कि नहीं कर सकती। समाजवादी आंदोलन, पूरी संसदीय राजनीति ने समाजवादी आंदोलन को एक तरह से निगल लिया है, एक तरह से उसको अपने में समाहित कर लिया है, अपने भीतर उसने समाहित कर लिया है। समाजवादी आंदोलन केवल अपनी एक नैतिक ताकत जाहिर करने के लिए ये तमाम जो पार्टियां हैं वो उसका संदर्भ देती हैं या उसका हवाला देती हैं कि वो समाजवादी आंदोलन से जुड़ी रही है, लेकिन उनके भीतर समाजवादी आंदोलन के कोई मूल्य और संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है। और कोई समाज निर्माण की योजना तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती। मेरा ये मानना है कि समाजवादी आंदोलन के जितने भी लोग हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ भारतीय समाज व्यवस्था की शिनाख्त उन्होंने जितनी की है उसको, उस अपनी समझ को ईमानदारी के साथ लागू करने की कोशिश करें, वो संसदीय राजनीति के जोड़ घटाओ गुणा भागा के हिसाब से अपनी जो कार्य योजना है, अपनी जो नीतियां हैं उसको न बनाए और उसको न निर्धारित करें। मुझे लगता है कि समाजवादी आंदोलन के जो मूल्य है उसको बनाए रखने की जरूरत है, और मुझे ये लगता है कि जिस गंभीरता के साथ हम में लगातार इस सवाल पर चिंतन मनन कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा दलित समाज को और सबसे ज्यादा समाजवादी मूल्यों की, समाजवादी जो दर्शन है उसकी जरूरत है, और उसको लेकर हम कैसे उनके बीच में जाएं और उनके बीच में काम करें इसकी जरूरत हमें महसूस हो रही है। आपने मुझे सुना और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।